तो आज मैं आपको खिलाता हूँ इंडिया का सबसे डरावना पिज्जा। मतलब जो हमारी पुरानी यादें हैं ना उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। अच्छा, और ये वेजीज क्या है, कौन कौन सी वेजीज आ गई इसमें वापस? इसमें शिमला टमाटर, आटा ब्रेड, लिक्विड चीज, कॉर्न और मोजिला चीज, ये सब आता है इसके अंदर। इसमें आटा ब्रेड डलती है। इसमें आटा ब्रेड डलती है। आटा ब्रेड डलती है। देखा कि कितने अच्छे से मोल्ड में उसको पूरा फिट कर दिया प्रॉपरली। अब इसमें आ रहा है अपना मोजरेला चीज। तो ऐसे खाते खाते डरता भी है क्या मोल्ड देख के? बहुत से लोग आते हैं भैया, बहुत से लोग आते हैं। अब इसमें जा रहा है अपना लिक्विड चीज मोजरेला के ऊपर लिक्विड चीज भी चले गए। अब वापस से स्टफिंग आने वाली है। हाँ भैया। और इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका भी 100 रुपीज है भैया। इसका भी 100 रुपीज। हाँ। ओ भाई, देखो सेकंड टाइम स्टफिंग होगी, एकदम भर भर के स्टफिंग करी गई है इसमें। तो भी आपको सराफा में कितना टाइम हो चुका है स्कल्प पिज्जा बेचते बेचते? अभी स्टार्ट किया भैया, 7-8 महीने हुए होंगे, एक साल भी पूरा नहीं हुआ अभी। एक साल भी पूरा नहीं हुआ? ओ भाई, इसको पकने में कितना समय लगता है भैया? मुश्किल से 1 मिनट, मोस्टली 1 मिनट। हाँ। ओ भाई, भी हो चुका है। ओ भाई, देखो एक बार देखो क्या डरावना दिख रहा है, क्या डरावना। थोड़ा सा और रह गया अभी, थोड़ा सा और रह गया। अभी एक साइड से का, एक साइड से रह गया है। ओ भाई, इस साइड से इधर से के लिए। ओ भाई, ओ भाई, ये देखो अभी दूसरे साइड से टिकने जा रहा है। कब भैया? अभी इसके ऊपर होने वाला है मेकअप। ओ भाई, तो इसके ऊपर अब कौन सी वाली सॉस लगने जा रही है? वही तंदूर, तंदूर वाली, मतलब पनीर टिक्का वाली। पनीर टिक्का वाली लगने जा रही है। उसका मेकअप हो रहा है अभी। अब इसका टेस्ट भी करके देखना है। अभी इसको इसका टेस्ट भी करके देखना है और टेस्ट बता के जाना कैसा लगा मेरे को। अब ये कौन सा मसाला डाल रहे हैं इसके ऊपर? ये थोड़ा स्पाइसी के लिए मसाला डाल बनाया है इसको। भाइयों भाइयों भाई, मेरे को तो बहुत डरावना सा लगने लगा अभी। अब बनने वाली है इसकी आंखें। अब बन गई इसकी आंखें और आ रही इसकी नाक। ओ भाई, हो गया इसका पूरा प्रॉपर मेकअप। ये देख सकते हो, ये वाला स्कल और ये वाला स्कल, कौन सा डरावना है मेरे को कमेंट में बताना। अपना हो चुका है स्कल पिज्जा बन के रेडी, करते हैं अपन इसका भी टेस्ट। तो भी इसका प्राइस क्या होने वाला है? सभी का सेम रेट है 100 रुपीज। सभी का सेम रेट 100 रुपीज। और इसको खाने के लिए किधर आना पड़ेगा? छोटा सराफा। छोटा सराफा। और आपकी दुकान का नाम क्या है? गुरु कृपा चाट हाउस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।